हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आप सबके लिए बहुत अच्छी एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आज के सेशन में आ चुका हूं। तो मैं आपको बताऊंगा, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं दिन प्रतिदिन और आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का इंतजार है, भी गुड न्यूज कोई आए तो हम फॉर्म भर पाए। तो जी हाँ, आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ बहुत अच्छी न्यूज। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आप तक सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन आप तक अपडेट होती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इस जो भी आपके लिए रोजगार समाचार एपिसोड है या कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश की क्लास होती है, उसको मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दिया करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक इसका फायदा हो सके। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। बताना चाहूंगा किस डिपार्टमेंट में ये है, WCD हरियाणा के अंदर वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी, लेकिन उसके पोस्ट अलग अलग के लिए आउट हुई हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं, 75 वैकेंसीज आउट हैं। तो WCD क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट हुई हैं। और इसमें बताना चाहूंगा कि जो रिक्रूट्स आउट हुई हैं वो है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, लीगल काउंसलर हैं और अदर वैकेंसीज हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल इसकी समझाऊंगा और ऑफिशियली साइट पर लेके चलूंगा, जहां से आप चेक कर पाएंगे कि और रीड कर पाएंगे कि क्या क्या वैकेंसीज है और कैसे कैसे फॉर्म प्रक्रिया है। तो इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 2019 है। तो आपको बताना चाहूंगा कि डेट रहते हुए आप फॉर्म जरूर भरिएगा। तो गाइज, ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। इसमें सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 15 वैकेंसीज हैं और इसमें आपको प्रॉपर आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ वन स्टॉप सेंटर कुड बी आउटसोर्स टू एनी वुमन हैविंग ए लॉ डिग्री, मास्टर इन सोशल वर्क विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन वायलेंस अगेंस्ट वुमन इश्यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यानी आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जैसे कि देश की महिलाओं के अगेंस्ट जिस प्रकार की कोई वायलेंस हो रही है, तो उनके प्रति आपने अगेंस्ट उन लोगों के केस लड़ा और उनको प्रोटेक्शन दी हो, इस प्रकार का। तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर पाओगे। सेकेंड पोस्ट है साइको, इसमें दे रखी है काउंसलर के लिए है। और इसमें जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, सोशल वर्क और क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए काउंसलर के लिए, राइट। और आगे आपको दे रखा है कि लीगल काउंसलर के लिए 15 वैकेंसीज हैं। तो आपके पास जो इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है और जो आपकी डिग्री है वो है बैकग्राउंड इन लॉ इन सोशल साइंस विद द पैरा लीगल ट्रेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ द लॉज विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए न्यूज है। अगर आप जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आप इसमें फॉर्म भरने के इच्छुक नहीं हो, तो कम से कम आप इसको मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है। आजकल की वैकेंसीज आउट होती हैं और उनके फॉर्म भरने की डेट बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। तो ऐसे में कभी कभार सर्वर बिजी होता है, कभी कभार फीस डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कम से कम जितने लोग, हम जैसे लोग हैं, देखो किसी न किसी को तो रोजगार चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो किसी न किसी को जरूर चाहिए। तो इसलिए आप इसको जरूर समझा करें, मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दिया करें, ठीक है। इसमें आगे दे रखे कि मेडिकल पर्सनल के लिए 30 वैकेंसीज हैं और मेडिकल जो इसमें असिस्टेंट है सर्विस, उनके लिए क्या क्या डिग्री मांगी गई है। यहां पर बताना चाहूंगा कि पैरामेडिकल विद द बैकग्राउंड इन द हेल्थ राइट एंड डिपार्टमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का। तो प्यारे बंधुओं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 15 डेज का टाइम था, यानी 4 जनवरी 2019 से पहले पहले आपको इस साइट पर विजिट करना होगा। इस साइट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर पाएंगे। तो गाइज, वहां से इस प्रॉपर साइट पर आप इसके बारे में फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वहां से ही पढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया, ये थी आप तक इन्फॉर्मेशन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।